आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी फूड चेन के बारे में, बटर प्रोड्यूसर्स, बटर कंज्यूमर्स एंड बट आर डिकम्पोजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज फूड चेन। इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये एक ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का और डिकम्पोजर्स का। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इट स्टार्ट्स विद द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स हैं और ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस के साथ बनाएंगे, उसके लिए सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से गेट करेंगे? न्यूट्रिएंट्स के लिए ये सॉइल से न्यूट्रिएंट गेट करेंगे। फूड चेन इट शोज द फूड रिलेशन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड रिलेशन क्या है? ग्रीन प्लांट्स अपना फूड किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं? जो ये गोट है ये अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ग्रीन प्लांट्स के बीच और जो ये गोट है इसके बीच क्या रिलेशनशिप है? और जो ये लाइन है, लाइन और गोट के बीच क्या रिलेशनशिप है? तो इट शोज अ फूड रिलेशन इन द इकोसिस्टम। इट इज़ ए सिक्वेंशियल लिस्ट इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। इट शोज ए लिस्ट इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ वन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कंज्यूमिंग दिस ट्री एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो कंज्यूम्ड बाई दिस ऑर्गेनिज्म। तो ये एक लिस्ट या एक सिक्वेंशियल लिस्ट शो कर रहा है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है या दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बना रहे हैं, ये गोट इस ग्रीन प्लांट को खा रही है और लाइन इस गोट को खा रहा है, और जब ये डेड और डीके हो रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो जा रहे हैं बाई द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर कंज्यूमर्स और व्हाट आर प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले बात करेंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स सबसे पहले नंबर पर हैं। प्रोड्यूसर्स हैं क्या? ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटो मीनिंग सेल्फ, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड देमसेल्व्स। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। इनको हम और क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स को। और ये अपना फूड देमसेल्व्स, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। नेक्स्ट फूड चेन में इंक्लूडेड है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या है? गोट भी कंज्यूमर है, ये घास खाएगी, और लायन ये भी कंज्यूमर है क्योंकि ये गोट को खाएगा। तो कंज्यूमर्स क्या है? दे आर हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, मीनिंग दे डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स, दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। सो कंज्यूमर्स, ये गोट और ये लायन, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। दे कंज्यूम द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। जो ये प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये उस फूड का यूज़ कर रहे हैं। फूड तो इस प्लांट ने बनाया लेकिन खा इसको गोट रही है। सो दे सिंथेसाइज द फूड एंड यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर फूड सिंथेसाइज करते हैं ये उसका यूज़ करते हैं। ऑल लिविंग एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन अदर्स, दे डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। अब बात करते हैं व्हाट इज हर्बीवोरस। हर्बीवोर्स द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली हर्ब्स, दैट ईट ओनली ग्रास। अब आगे इसके बाद कार्निवोर्स, द एनिमल्स और द ऑर्गेनिजम्स हु ईट द फ्लैश और हु ईट द मीट। जो ऑर्गेनिजम्स मीट खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। जैसे लायन हो गया, ये इस गोट को खा लेगा, तो ये कार्निवोरस है। और ये सिर्फ हर्ब्स, ये जो सिर्फ गोट है, ये जैसे गाय है या फिर हॉर्स है, ये सारे एलिफेंट है, ये सारे क्या खाएंगे? ये सिर्फ घास ही खाएंगे। तो ये क्या है? हर्बीवोर्स, द ऑर्गेनिजम्स विच ईट ओनली ग्रास और हर्ब्स, दे आर हर्बीवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स द एनिमल्स हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कार्निवोरस एनिमल्स। नाउ इन द लास्ट बट आर डिकम्पोजर्स, हेयर आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, अगर कोई लायन डेड हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, या प्लांट के डेड लीव्स, छोटी छोटी ब्रांचेज नीचे गिरी, तो वो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएंगी? मिट्टी में मिल जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर्स फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे कीप द इन्वायरमेंट
क्लीन, दे आर इको फ्रेंडली। सो डिकम्पोजर्स क्या हैं, जो भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ये उनको खा लेते हैं, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्या रखते हैं, क्लीन रखते हैं। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। क्लास 10th में मैथ साइंस के अदर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें, और लॉकडाउन में अपनी स्टडीज़ को स्पीड अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।